Assalamualaikum, मेरा नाम है नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आज की जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी तकरीबन आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा लाजमी तौर पर। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कल संडे और संडे को हमारी क्यू एन ए की वीडियो आती है, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इंशाल्लाह कल डिटेल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बात करें आज की पहली क्विक अपडेट की, तो हमने चैनल के ऊपर कल टेक्नो केमोट 17 की अनबॉक्सिंग को पब्लिश किया था। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा तो लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा, काफी एग्रेसिव डील है। अगर आप लोगों का स्मार्टफोन के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को इसका फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है शाओमी मी 11 के रिलेटेड, तो शाओमी ने मी 11 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया, प्राइस है 145,000। अब आप लोगों की तरफ से काफी मिक्स थॉट्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइस काफी एग्रेसिव और कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। अब वो लोग जो कि प्राइस को कह रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा, मुझे लगता है कि वो शाओमी को एज अ शाओमी ही देख रहे हैं, मतलब कि उनके माइंड के अंदर सेम वही डील चल रही है जो कि हमें मिड रेंज के अंदर मिलती है। लेकिन यार आप लोगों को मैं बताऊं कि ये वाली जो डिवाइस है ना, इन शॉर्ट ये कोई ओवर प्राइस डिवाइस नहीं है, वैसे इससे थोड़ी सी कंपेटिटिव प्राइस हो सकती थी, लेकिन अगर हम लोग इस स्मार्टफोन के कंपटीशन को देखते हैं तो ये डायरेक्टली तौर पर कम्पीट करता है आईफोन 12 प्रो को, या फिर आप कह सकते हो सैमसंग गलेक्सी S21 को, क्योंकि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है। और आज की डेट के अंदर ये वाला जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन आई थिंक, जो कि इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है, आई थिंक नहीं कन्फर्म बात यही है, क्योंकि इससे सस्ता कोई भी हमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं तो आप लोगों को 1440p का क्वाड HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन है, 55W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस हैं और जो प्राइस है एक दूसरे को टोटली तौर पर जस्टिफाई करती है। तो अगर आप लोगों का बजट इस स्मार्टफोन जितना है और आप लोगों का दिल मान रहा है इस स्मार्टफोन के ऊपर, तो आप लोग इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसकी जो रीसेल वैल्यू होगी उसके अंदर में भी आप लोगों को थोड़ा सा मसला देखने को मिले, लेकिन अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म के अंदर यूज़ करना है तो आप लोग डेफिनेटली स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है आईफोन 13 सीरीज़ के रिलेटेड, तो ये चीज़ कही जा रही है कि एप्पल का जो ताइवान के अंदर सप्लायर है, जो कि कैमरा के कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है, एप्पल ने उसको नोटिस कर दिया हुआ है कि जो पार्ट्स की प्रोडक्शन है वो लोग 30% से लेकर 40% तक इंक्रीज़ कर दें। इट मींस कि एप्पल की जो प्रोडक्शन होने वाली है कैमराज की, या फिर ओवरऑल स्मार्टफोन्स की आईफोन 13 सीरीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और ये चीज़ कही जा रही है कि इस कंपनी से एप्पल के जो कैमरा के ऑर्डर्स हो गए हुए हैं वो इंटायर जो एंड्रॉयड की कैटेगरी है उनके कंबाइंड से भी ज़्यादा है, मतलब कि एप्पल का जो टारगेट है आईफोन 13 सीरीज़ को लेके वो भाई काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे भी पर्सनली तौर पर लगता है कि भाई आईफोन 13 काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल डिवाइस होगी और एप्पल उसके अंदर कैमराज को लेके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स भी करने वाला है। तो लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, तो रियलमी ने अपने लैपटॉप की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया हुआ, जो कि 15 जून, जो कि एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा और पाकिस्तान के अंदर भी रियलमी के लैपटॉप के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा एक पिक्चर भी सामने है, आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से रियलमी की और जो विंडोज़ की ब्रांडिंग है उसको हटा लो तो भाई सीधी सीधी मैकबुक ही लग रही है, लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हमारे लिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या रियलमी का लैपटॉप हमें वैल्यू ऑफर करता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। वैसे मार्केट का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है लैपटॉप के अंदर क्या सीन चल रहा है, तो लेट्स सी कि ओवरऑल इसको किस किस्म का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और ये चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि जो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, या फिर आप लोग कह लें कि जो स्ट्रॉन्ग पीआर टाइप के वर्क होते हैं स्मार्टफोन कंपनीज को होते हैं, उतने लैपटॉप कंपनीज के नहीं हैं। अगर आप लोग डेल को देख लो, एचपी को देख लो, लिनोवो को देख लो, तो इनके लैपटॉप्स तो चाहे अच्छे होंगे लेकिन इनके पास जो बजट होता है मुझे लगता है, या फिर इनके पास जो मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर रियलमी का लैपटॉप थोड़ी सी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर आता है, तो उसके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लैपटॉप की मार्केट के अंदर अभी भी काफ़ी गैप मौजूद है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक के रिलेटेड, तो भाई फेसबुक के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि वो लोग बहुत जल्द अपनी स्मार्ट वॉच को लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को डिटैचेबल स्क्रीन मिलेगी विद द 2 कैमराज। तो अब देखते हैं यार ये क्या करते हैं ये लोग, लेकिन मेरे माइंड के अंदर
घंटी बजी थी कि भाई ये गोलमाल है, क्योंकि फेसबुक को बैठे बैठे एकदम से कैसे ख्याल आ गया कि इन लोगों ने हार्डवेयर मतलब कि स्पेसिफिकली आईओटी टाइप की प्रोडक्ट के अंदर जाना, जो कि एक स्मार्ट वॉच है ना, तो इनका कोई फ़ोन है, और अगर हम लोग देखते हैं ना तो मोस्टली जो स्मार्ट वॉचेज सक्सेसफुल चल रही है मार्केट के अंदर उन्हीं ब्रांड्स की चल रही है जिनकी डिवाइसेज ऑलरेडी स्मार्टफोन मौजूद हैं। एप्पल के ऊपर अगर हम देख लेते हैं, शाओमी या फिर दूसरी ब्रांड्स की बात करते हैं, और मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि एक स्मार्ट वॉच के अंदर दो कैमराज लगाने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि फिर फेसबुक आपके चेहरे को हर टाइम देखते रहेगा, चोरी से आपके कैमरे को ऑन करके स्पाई करेगा। फेसबुक की रेपुटेशन का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं इस अपडेट के ऊपर इतनी कोई बात करना भी नहीं चाह रहा। कभी भी आप लोगों ने फेसबुक की जो स्मार्ट वॉच इसको बाय नहीं करना, चाहे वो आपको मुफ्त भी दे रहे हूँ, अगर आप लोगों को अपनी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइवेसी नहीं भी इंपॉर्टेंट है तो फिर भी आप लोगों ने बाय नहीं करना। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है शाओमी के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली शाओमी के इंजीनियर्स ने कोई Q&A सेशन किया, उन लोगों से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सामने वो है शाओमी की अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस जो टीज़र वीडियो हमें मिली थी, 200 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 120 वाट की जो वायरलेस चार्जिंग है, उसके रिलेटेड आप लोगों के माइंड के अंदर अब एक चीज़ डेफिनेटली आएगी कि स्मार्टफोन के अंदर अगर इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होगी तो उसकी जो सिक्योरिटी आप लोग कह लो, उसके अंदर जो चीज़ें जो इश्यूज होंगी उनको लेके क्या चीज़ें होंगी। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को सेफ्टी को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इस फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी के अंदर तकरीबन 40-40 के करीब जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उनको कंसिडर किया, मतलब कि 40 स्टेप्स के ऊपर उन लोगों ने ये चीज़ इंप्लीमेंट किया कि वो जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर आप लोग इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक बैटरी को चार्ज करते हो तो ओवरऑल उसकी जो डिग्रेडेशन होती है टाइम के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन यहां पर Xiaomi के इंजीनियर्स ने जो नंबर्स दिए हैं वो काफी शॉकिंग है। अगर हम लोग एक स्मार्टफोन की नॉर्मल बैटरी को 800 दफा चार्ज करते हैं तो वो तकरीबन 60% की कैपेसिटी के ऊपर आ जाती है, लेकिन Xiaomi के इंजीनियर्स के मुताबिक उन लोगों ने जो बैटरी की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया और इस चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको जो इंट्रोड्यूस करवाया उसके थ्रू अगर आप लोग 800 दफ़ा अपने स्मार्टफोन को चार्ज करोगे तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 80% तक सिर्फ नीचे जाएगी, मतलब कि नॉर्मल 60% के ऊपर जाती है स्मार्टफोन के अंदर और इसके अंदर सिर्फ 80% तक जाएगी, मतलब कि इतना ज़्यादा आपको गैप मिलेगा, इतनी ज़्यादा इंप्रूव टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये सिर्फ उनकी बातें हैं, पब्लिक लाइफ के अंदर क्या उसकी परफॉर्मेंस होती है वो तो हमें बाद में ही पता चलेंगी। अब यहां पर Xiaomi की बात हो ही रही है, इंजीनियर्स की बात हो रही है, तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया पोर्टलेस स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, उन लोगों ने कहा कि आपको 2022 के अंदर जो पोर्टलेस फ़ोन है, अब मेरे माइंड के अंदर पोर्टलेस आईफोन आ रहा है, क्योंकि आईफोन जो पोर्टलेस है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है मार्केट के अंदर कि एप्पल बहुत जल्द उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। खैर हम लोग बात करें यहाँ पर Xiaomi के इंजीनियर्स की, तो उन लोगों ने यह कहा कि 2022 के अंदर आप लोगों को जो पोर्टलेस फ़ोन है वो देखने को मिल सकता है, वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक इशू यही था कि आप लोगों ने स्मार्टफोन को चार्ज करना, इस वक्त तक जो वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन उनके मुताबिक 2022 तक वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी कि हम लोग जो हमारा नॉर्मल यहाँ पर इनपुट वाला ये जैक या पोर्ट होती है इसको निकाल सकते हैं, मतलब कि आप लोगों को तो पर जो पोर्टलेस फ़ोन है वो मिलेगा। इसके अलावा एक और दो मसले और भी हैं जिनके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन 2022 तक एक्सपेक्टेडली आप लोगों को पोर्टलेस फ़ोन देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पाकिस्तान के अंदर बजट के रिलेटेड, तो अभी पाकिस्तान के अंदर बजट के रिलेटेड बातें वगैरह चल रही हैं। एक चीज़ जो कि कही जा रही थी कि इंटरनेट के यूज़ के ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये बात सजेस्ट की गई थी जो बजट बनाने वाले उनको के 1 GB के डाटा के यूज़ के ऊपर 5 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स लगा करेगा, मतलब कि ऑलरेडी हम लोग जो रिचार्ज के ऊपर टैक्स पे करते हैं, जो डाटा के यूज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं, उसके अलावा अगर आप लोग 1 GB डाटा यूज़ करोगे तो आप लोगों को 5 रुपीज़ का टैक्स कन्फर्म फिक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है मिनिस्टर्स की तरफ से कि इसको PM ने अप्रूव नहीं किया, मतलब कि क्योंकि जो भी आप लोग समरी वगैरह देते हो वो कैबिनेट के अंदर जाती है, वो अप्रूव होती है, तो जो कैबिनेट है इसको अप्रूव नहीं करेगी, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसको अप्रूव करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाई एक चीज़ बची है जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, वो है फ्री इंटरनेट नहीं अगर तो भाई कम से कम रेट्स को इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग खुद ब खुद सीख सकें, क्योंकि भाई बाकी जो चीज़ें हैं अब मैं डिटेल के अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि फिर मैं ज़रा लिमिट से बाहर चला जाता हूँ, तो भाई ये सीन चल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि कही जा रही है कि अप्रूव हो जाएगी वो ये है कि अगर आप लोग कॉल करते हो तो 3 मिनट की कॉल के ऊपर आप लोगों को फिक्स 1 रुपये का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोग 100 रुपये का बैलेंस करवाते हो उसके अंदर से पता नहीं कितने रुपये कटते हैं, मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया, 70-80 आते हैं, उसके बाद आप कॉल का पैकेज करते हो उसके साथ भी आपको टैक्स लगता है,
और उसके बाद अगेन उसके ऊपर जब आप लोग ₹3 की कॉल करोगे तो फिर ₹1 का फिक्स टैक्स होगा। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि भाई क्या चीज़ें। बहरहाल मैं इस न्यूज़ को इतना को खास ज़रा डिस्कस करना नहीं चाह रहा, हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है दराज मोबाइल वीक के रिलेटेड, जो कि 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग टाइप की डील्स देखने को मिल जाएंगी मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स शामिल है, शाओमी भी शामिल है। तो आप लोग 16 जून से इसको चेकआउट कर सकते हो, मे बी आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी डील किसी ना किसी स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिल जाए। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो भाई रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली ये चीज़ कही है कि जब से रियलमी ब्रांड इस्टेब्लिश हुई है तब से लेके उन लोगों ने जो मोस्ट ब्यूटीफुल उनका स्मार्टफोन है वो तैयार कर लिया हुआ। पता नहीं कौन सा स्मार्टफोन है, कब आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप लोगों को टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो हिंट्स हैं, जो टिप्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो लेट्स सी कि रियलमी का जो स्मार्टफोन है ये कितना ज़्यादा प्यारा होता है। और एक चीज़ भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रियलमी वालों की, उसकी बैक साइड के ऊपर डेयर टू लीव की ब्रांडिंग ना लगाना। आपका स्मार्टफोन कितना भी ज़्यादा प्यारा हुआ उसके ऊपर जब बैक साइड के ऊपर आप लोग डेयर टू लीव की ब्रांडिंग को चिपकाओगे ना तो वो कोई सीन ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी अगर हम लोग रियलमी के स्मार्टफोन्स के ऊपर देखते हैं ना तो आजकल काफ़ी प्यारे आ रहे हैं। अगर हम लोग रियलमी 8 सीरीज़ को भी देख लेते हैं, अगर हम लोग बैक साइड से डेयर टू लीव की ब्रांडिंग को निकाल देते हैं तो वो काफ़ी एक ब्यूटीफुल स्मार्टफोन बन जाता है। तो लेट्स सी रियलमी क्या करता है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है OnePlus के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली OnePlus ने अपनी नोट सीरीज के नेक्स्ट स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि है रियलमी नोट CE कोर एडिशन। अब कोर एडिशन लोगों ने पता नहीं क्यों नाम दिया है। अब ये स्मार्टफोन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है यूरोप और ग्लोबल मार्केट के अंदर। स्पेसिफिकेशंस OnePlus के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। OnePlus नोट जो पहला था उसका ही थोड़ा सा एडजस्टेबल एडिशन आप लोग इसको कह सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव किया गया, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा इन लोगों ने कट डाउन किया है। डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं तो 6.43 इंचज का AMOLED डिस्प्ले है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, कोई स्पेशल चीज़ नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है। स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है जो कि एक डिसेंट चीज़ है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का एक्सपोर्टिंग सेंसर है, मैक्रो सेंसर है, ये भी कोई एडवांस चीज़ तो नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4500mAh की बैटरी, 30W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। मतलब भाई जो सारी स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई होगी जो कि ऐसा आप लोगों को वाओ फैक्टर दे, लेकिन क्योंकि ये वाली जो डिवाइस है ये OnePlus की डिवाइस है और OnePlus की जो डिवाइसेज होती हैं वो एक प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आती हैं। और OnePlus जो नोट ओरिजिनल था उसके कंपैरेटिवली इसकी जो प्राइस है वो कम है, इसलिए लोगों की जो एक्साइटमेंट है इस स्मार्टफोन के रिलेटेड वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम लोग प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB, 8GB और 12GB वाला। इंडिया के अंदर 6GB वाला वेरिएंट भी है और जो यूरोप वगैरह उसके अंदर 8 और 12 वाले हैं। अगर हम लोग 6GB वाले वेरिएंट की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट कन्वर्जन के ऊपर प्राइस की तो 48,000 बन रही है और जो 12 to 56 वाला उसकी 59,000 बन रही है। अब इस प्राइस रेंज के ऊपर अगर आप लोग देखो तो जो 6GB वाला वेरिएंट है वो थोड़ा सा कंपेटिटिव लग रहा है डेफिनेटली, लेकिन इतना भी कोई खास कंपेटिटिव नहीं है। लेट्स सी ये पाकिस्तान के अंदर आता है नहीं आता, लेकिन इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। और कहाँ पर आता है, क्या प्राइस रखी जाती है, क्योंकि जो आजकल यूनाइटेड मोबाइल वाले ना उनकी कोई मुझे साइकी समझ नहीं आ रही। मार्केट के अंदर आपको फ़ोन सस्ता मिल रहा है और यूनाइटेड मोबाइल वाले महंगा दे रहे हैं, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर किस माइंडसेट के साथ आता है और ये कब आता है। वैसे आ सकता है, अगर आता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं इसकी सेल्स के, क्योंकि जो OnePlus के फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जो OnePlus का UI होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन भाई OnePlus का UI सैमसंग के UI से अच्छा तो बिल्कुल नहीं है मेरी नज़र के अंदर पर्सनली तौर पर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है स्मार्टफोन्स की शिपमेंट शेयर के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई, आप लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हो कि सैमसंग का जो ग्लोबल शेयर है Q1 के अंदर 2020 के वो सबसे ज़्यादा 22%, एप्पल 17% के ऊपर है, शाओमी 3rd नंबर के ऊपर है और हुआवे बेचारे का जो शेयर है वो 4% रह गया हुआ है, जो कि काफ़ी एक प्रिडिक्टेबल ग्राफ है। ये तो ओबियस चीज़ है, हमें नज़र आ रही है तो यह कि कौन सी ब्रांड कहाँ पर जा रही है। आज की हमारी लास्ट अपडेट आ रही है ओनर 50 के रिलेटेड। तो ओनर 50 सीरीज को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है विद द गूगल एप्लीकेशन, गूगल की सपोर्ट के साथ आप लोगों को सारी एप्लीकेशन मिलेंगी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिज़ाइन उसको तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले मिलेगा विद द डुअल पंच होल। अब यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हुआवे वाले हैं और ओनर वाले हैं इन लोगों को क्या मसला है कि फ्रंट के ऊपर डुअल पंच होल को दे रहे हैं। मतलब कि कोई डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डुअल पंच होल मुझे पर्सनली तौर पर ठीक नहीं लगता। आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके लाजमी तौर पर बताइएगा, लेकिन दिस इज इट, यही आप लोगों को डिज़ाइन मिलने वाला है। 120Hz का AMOLED डिस्प्ले कहा जा रहा है,
क्या इसके अंदर आप लोगों को रेजोल्यूशन मिलती है, उसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शन क्या होती है, ब्राइटनेस कितनी होती है, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के ऊपर देखते हैं ना, तो जो ब्राइटनेस का लेवल और जो प्रोटेक्शन का और जो दूसरी चीज़ें, वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं। टोटल 3 वेरियंट्स मिलेंगे, तो लेट्स सी कि ओनर का क्या गेम प्लान है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी, वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।